अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ मीठी इमली की चटनी बनाना। तो इसमें क्या क्या हमें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। चीनी ली है मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून, और गरम मसाला है मेरे पास ये 1/2 टीस्पून, ज़ीरा है, क्यूमन सीड जो है वो भी 1 टीस्पून है इसके अंदर, और मेरे पास लाल मिर्चों का जो लाल मिर्चें हैं जो वो 1/2 टीस्पून है, और सॉल्ट हमारे पास है ये भी 1/2 टीस्पून है। आप नमक अपने हिसाब से रख सकते हैं, मीठा और नमक। और इसमें चाट मसाला है मैंने 1 टीस्पून भर के लिया है। 200 ग्राम मेरे पास इमली है, तो इमली को मैंने ओवरनाइट जो है पानी में भिगो दिया था। तो उसके बाद अब मैं इसको बनाती हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। को भिगो दिया था मैंने रात भर, तो अब ये हल्की आंच पे मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ और ये पकती रहेगी। इसमें तकरीबन आपने इसको 20 मिनट तक इसको लो टू मीडियम पे रख के कुक करना है 20 मिनट्स। जब 20 मिनट पक जाएगी ये हल्की आंच पे, तो उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी ये क्या करना है। बाकी स्पाइसेस भी इसमें हम ऐड मिक्स करते हैं। शुगर डाल दी है मैंने इसके अंदर। शुगर आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, अगर कम लग रही है मीठा तो आप चीनी इसमें ज्यादा भी डाल सकते हैं। सॉल्ट डाल दिया मैंने इसके अंदर। चाट मसाला है, जीरा है, जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, ऐसे पूरा साबुत जीरा भी डाल सकते हैं। लाल मिर्चे हैं इसमें, गरम मसाला है, डालने के बाद आप इसको 15-20 मिनट तक के लिए हम जो है ना इसको हल्की आंच पे रख देते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और सॉरी मैंने आपको चीनी इसमें 4 टेबल स्पून की कही थी, इसमें 4 टेबल स्पून शुगर चीनी नहीं जाएगी। इसमें जो हमारे बेकिंग का कप होता है ये वो जाएगा 1.5 कप, 1.5 कप इसमें, 1.5 कप जो है ना वो उसका शुगर का जाएगा इसके अंदर। तो इसमें क्योंकि खट्टी ज़्यादा होती है तो इसमें चीनी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने पहले कम डाल के आप देखें अगर आपको सही लग रही है। बास टाइम इमली बहुत खट्टी होती है, बास टाइम बिल्कुल कम चीनी में ही सही हो जाती है, लेकिन इसमें अभी मैंने 1.5 कप शुगर का डाला है। और ये देखें अभी इतनी थिक हो गई है ना, तो अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, स्ट्रेनर में निकाल के ना इसको आपको आपके सामने इसका जो है ना छानती हूँ। ये देखिए सारी मैंने इसको इसमें छान लिया है। अब इसका ऐसे इस तरीके से दबा दबा के ना आपने इसका सारा जूस जितना है वो निकल जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि हम इसको, तो मतलब ये तो हमारे लिए अब ज़ाया है। अब इसका ये है जो हमारा असल वो है वो पानी, ये जूस है जो हमने निकाल लिया है। अब इसको हमने इस फ्राई पैन में दोबारा डाल के ज़रा सा 5 मिनट में इस पर रहने दूँगी, ताकि इसमें जितना भी पानी है जो वो है इमली का वो निकल जाए इसके अंदर। ये देखें बेशक थोड़ा सा पानी आप ऊपर डालें ताकि ये इमली साफ हो जाए, क्योंकि बाद में हमने इसको गाढ़ा ही करना है, तो इसमें कोई वो नहीं है। आप अच्छी तरीके से इमली को साफ करें, ज़ाया ना हो। इस तरह सारी कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जो हमने पानी निकाला था इसका इमली का, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब आपने इसको जितना इतना पकाना है इसकी जितना, जब तक ये थिक हो जाए, मतलब कि आप चटनी की जैसे आपको लगे कि इसकी वो है जो ज़्यादा हो जाए ना, थिक ही हो जाए पेस्ट, तो जब तक इसको हम पकाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको हल्की आंच पे अभी पकने देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कितनी देर मैंने इसको पकाया है हल्की आँच पर। मैंने अब इसकी आँच तेज़ कर दी है, अभी देखिए इतना गाढ़ा हो गया। पहले हल्की आँच पर पकता रहा है ये 15 मिनट के लिए ना, ताकि जो हमने इसमें पानी मिलाया है वो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर वो कच्चा पानी इसमें रहेगा तो चटनी ख़राब होने का वो होता है ना, तो इसलिए मैंने इसके अंदर, अब ये करना है आपने कि ना इसका पानी को जितना ज़्यादा ड्राई करना कर सकते हैं आप उतना करें, जितना आपको इसको गाढ़ा रखना है चटनी को। तो
ये हमने इसे उसमें रखना है कि ये देखें गाढ़ी हो गई है, बस दो तीन मिनट में इसको और जो है ना गाढ़ी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम किसको किस चीज़ में निकाल लेते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसको, दो मैंने इसका फ्लेम हाई कर दिया है और इसको आप पानी कम करना है तो ड्राई करना है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा ड्राई करके। अब ये जी मैंने 3 से 4 मिनट इसको और पकाया है, पानी खुश किया है, अब ये देखें इतनी गाढ़ी हो गई है ये ना, ये आपके स्पून से ड्रॉप्स आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगे तो उसका मतलब आपकी चटनी गाढ़ी हो गई है। ये देखें रेपन की तरह जा रही है। अब ये है कि इसको मैं डिश आउट करती हूँ, बाउल में निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चटनी देखें जी रेडी हो गई है, तैयार हो गई है, मैंने इसको निकाल लिया एक बाउल में। अब आप इसको इंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी है। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, मतलब जितनी जब ठंडी होती जाएगी गाढ़ी होती जाएगी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, आपको पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं, पसंद आ रही हैं आपको। और दुआओं में याद रखें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।